एक अत्यंत पवित्र, प्रसिद्ध, अद्भुत धार्मिक स्थल जिसे दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक माना गया है। झाड़ियों के अंदर जो कोई बंदर हो निकल जाओ, बंदर बंद हो चुका है। एक ऐसी जगह जहां है तुलसी के हजारों पौधे जो मान्यता के अनुसार रात में बन जाते हैं गोपियां, और आज भी यहां हर रात होती है रासलीला। जहां द्वापर युग से ही चली आ रही है दैवीय चमत्कार की कहानियां। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात में राधे राधे। लेकिन क्या आपको पता है कि यहां के रंग महल में 3 लेयर की सुरक्षा के बावजूद हर सुबह मिलते हैं श्री कृष्ण की मौजूदगी के निशान। ये जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं ना, ये सब वृक्ष दिन में वृक्ष है, रात को यही वृक्ष आज भी गोपी बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि दर्जनों बार कई न्यूज एजेंसियों और साइंटिस्ट की टीम ने इसकी पड़ताल की, खुद रात भर पहरा देते रहे, पर फिर भी आज तक कोई सटीक जवाब नहीं मिल पाया और कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका। और क्या आप यकीन करेंगे कि मान्यता के मुताबिक रात में इस स्थान पर इंसान तो क्या एक परिंदा भी नहीं रुकता, क्योंकि जो भी यहाँ पर ठहरता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। कौन सा है ये स्थान और क्यों इसे लेकर कई तरह की अचंभित कर देने वाली कहानियाँ आज भी यहाँ की गलियों में तैरती हैं, और क्यों आज तक कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाया, जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया पांडे और आप देख रहे हैं श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग। और इस वक्त मैं आ चुकी हूं निधि वन, जिसको लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। यही वो वन है जहां आज भी रात में रास लीला होती है और भगवान श्री कृष्ण तमाम गोपियों के साथ यहां रास रचाते हैं, जिस तरह की मान्यताएं हैं। इसको कोई देख नहीं सकता, यहां कोई रात को आ नहीं सकता, ना गायें, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, कोई भी इस वन में रात को नहीं रुकता, क्योंकि रात में आज भी ऐसी मान्यता है कि यहां पर रास लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण, माता राधा और उनके साथ तमाम गोपियां यहां रास रचाती हैं। इस निधिवन की एक बहुत बड़ी खासियत यह है, ये देखिए चारों तरफ से ये जिस तरह से कवर है, यानी कि लकड़ी के जो फट्टे होते हैं, जो बांस के फट्टे होते हैं, उससे ये कवर है, और इसके अंदर आपको ये तुलसी के पौधे दिखेंगे। ये तुलसी के पौधे कुछ खास हैं, कुछ अलग स्पीसीज की ये नज़र ज़रूर आती हैं, लेकिन ये आदमकद है या आदमकद से भी ऊँची ऊँची इनके पौधे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ, यानी कि वृंदावन में जब भी आप घूमने के लिए आएँ और बांके बिहारी के दर्शन करें, तो उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, 1 किलोमीटर के आसपास का ये यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और निधिवन जो कि काफ़ी प्रचलित स्थान है, इस खास इस पवित्र स्थान के भी दर्शन आप ज़रूर करें। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास है निधिवन क्षेत्र, जहां हर तरफ सिर्फ तुलसी के पौधे नजर आते हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से कुछ अलग दिखते हैं और इन्हें मुक्तलता कहा जाता है। ये मुक्तलता बोलते हैं, मुक्तलता। इसको पहले वृंदावन का तुलसी का वन बोलते, वृंदावन तुलसी का वन था, वृंदा माने तुलसी और वन माने जंगल। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद आते हैं और रास रचाते हैं। निधिवन परिसर में ही राधा कृष्ण का मंदिर रंग महल है। रास के बाद राधा कृष्ण इसी रंग महल में शयन करते हैं। आज भी रंग महल में किसी के आने, दातून करने, खाने पीने और श्रृंगार करने के प्रमाण मिलते हैं। और निधिवन के बीचों बीच इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे पीछे है ये खास एक छोटा सा मंदिर, और इसी मंदिर के लिए ऐसा माना जाता है कि यही वो मंदिर है जहाँ की आज भी रात में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली चीजें रखी जाती हैं, जो डेली यूज की चीजें होती है, जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो सुबह यूज मिलती हैं, यानी कि उनको इस्तेमाल किया गया होता है। उनको इस तरह से कि कपड़े रखे जाते हैं, उनके खाने के लिए, उनके शयन के लिए तमाम चीजें जो रखी जाती हैं, ऐसा माना जाता
जाता है कि सुबह जब लोग यहाँ पर आते हैं, मंदिर को खोला जाता है, तो वह सभी इस्तेमाल की हुई चीजें होती हैं। यहाँ तक कि जो श्रृंगार प्रसादन भी होते हैं, वो श्रृंगार प्रसादन भी यूज मिलते हैं। और इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हर रोज यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं, माता राधा के साथ रास लीला होती है, वो श्रृंगार करते हैं। बाकायदा उसके बाद जब वो शयन करते हैं, सुबह जब आरती के वक्त यहाँ पर लोग उठते हैं, जब मंदिर के पुजारी देखते हैं, तो वो सभी इस्तेमाल की हुई चीजें मिलती हैं, जिससे कि ये माना जाता है कि यही वो प्रमाण है कि हर रोज आज भी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और माता राधा पधारते हैं, यहाँ श्रृंगार करते हैं, विश्राम करते हैं। प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है। पलंग के पास चांदी का एक गिलास पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए दो दातून, साड़ी, चूड़ियां आदि श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का एक खाली गिलास, आधा खाया हुआ पान और बिस्तर इस स्थिति में मिलता है जैसे कि उसमें किसी ने विश्राम किया हो। दोनों दातून करी हुई के अंदर दिख रहा, कुछ भोग लगा हुआ। राधे राधे। अब सवाल ये है कि रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। साथ ही 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, फिर ये चमत्कार कैसे होता है? यहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा या पागल हो जाता है, ताकि वो इस रास लीला के बारे में किसी को कुछ भी बता न सके। और यही वजह है कि एक अजीब सा डर इस क्षेत्र को लेकर व्याप्त है और यहाँ रात में कोई भी नहीं रुकता। इसी के साथ गाइड और पुजारी ये भी बताते हैं कि निधि वन में जो 16,000 पौधे हैं, वो आपस में गुथे हुए हैं। यही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाते हैं। इस वन की एक और दिलचस्प बात ये है कि जहां पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं यहां ये नीचे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ के पौधे छोटे हैं, लेकिन एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात के समय दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। लगभग 2.5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैले निधिवन के पौधों की खासियत ये भी है कि इनमें से किसी भी पौधे का तना सीधा नहीं मिलेगा। बताते हैं कि निधिवन के इस चमत्कार का सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की। कई वैज्ञानिक आए, कई न्यूज एजेंसियों ने कैमरे लगाए, कई लोग यहाँ चोरी से रात भर रुके भी, पर ये राज जिसने भी जाना, वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा नहीं रहा। यहाँ आपको दिखेगा कि निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने इस तरफ खिड़कियाँ नहीं लगाई हैं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद करा दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है और ईश्वर के इस चमत्कार पर अटूट विश्वास है। यहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा, जिन्हें यहाँ के बारे में आज भी बहुत कौतूहल है। कहते हैं कि इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे कुछ मानने के लिए मजबूर भी किया जा सकता है, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है कि इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं? वाकई ये बातें सबको आश्चर्य से भर देती हैं और आस्था और विश्वास के आगे भक्त नतमस्तक हो जाते हैं। जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को अपने माथे से लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहाँ आकर विज्ञान भी रुक जाता है, बचती है तो सिर्फ भक्ति, आस्था और विश्वास, जिसमें सराबोर होकर कान्हा के भक्त खो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप निधिवन घूमने के लिए आए तो पास में ही मौजूद बांके बिहारी मंदिर के दर्शन भी जरूर करें, जो कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर माना गया है। इस मंदिर के बारे में मैंने विस्तार से पूरी जानकारी अपने पिछले वीडियो में दिया था, जिसे आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप ट्रेन, बस या अपने वाहन से वृंदावन कैसे आसानी से पहुंच सकते हैं, ये पूरी जानकारी भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी।
तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। आपको भी निधिवन के बारे में कोई और जानकारी हो तो वो भी बताना मत भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपने अभी तक इस बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थान के दर्शन किए हैं या नहीं। अब अपनी दोस्त श्वेता जया पांडे को आज्ञा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्ण।